हाय सर। नमस्ते। एक बार फिर मैं आ गया हूँ। Believe it? I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। मैं स्टार? क्या बताऊँ सर? मेरी लाइफ को बहुत कुछ चल रही है सर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। ओके सर, मेरा नाम म्यूजिक लवर है। जानते हैं, सब जानते हैं। पिछले कई सालों से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था मैम। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक लड़की थी जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करता था, जान से भी ज्यादा मैं उसे प्यार करता था। ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? जब वो लड़की मुझे छोड़ा तो मुझे कोई डिसाइड नहीं था कि मैं इंडियन आइडियल में जाऊं, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत गाना आता था और मैं सोचता था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं और क्या करूं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो मेरा थोड़ा बहुत गाना जो आता था तो मैंने उसी गाना को रियाज करने लगा, और रियाज करते 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 मेरा दिल में एक दिन आया कि मैं इंडियन आइडल में ज़रूर जाऊँगा। तो मैं इंडियन आइडल में आया हूँ और मैं पूरे दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि कुछ पैसे की खातिर वो मुझे छोड़ दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, किसी और के बहुत सारे पैसा था और उसी का हो गया, और वो लड़की मुझसे नफरत करने लगी। मैं वह लड़की नहीं थी, वह नागिन थी मैम, जो मुझे एक रोज बुलाया और झूठा इल्जाम में वह फंसवा दिया और पुलिस आई, मुझे जेल ले गया और मैं वहीं पर मैं गाना रियाज करने लगा। और मैं पुलिस का मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मैं बोला कि मैं सर मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस मेरा एक भी बात नहीं मानी मैम। और मैं वही जो कैदी ड्रेस पहन कर मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए। मैं प्यार का मरा हुआ हूँ भाई, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पे जाने के लिए कि नहीं, ये काम छोटा है, ये काम मैं करूंगा जो और अच्छा है, क्योंकि मैंने उसकी वो जर्नी देखी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहां से जागो वहीं सवेरा। क्या बात है, क्या? यही तो सोचकर मैं यहाँ पर आया हूँ सर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। Everybody sing, तू गा दे, तू गा दे, तू गा दे। पक्का मैम, आज मैं गाऊंगा। ये सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए।
कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। कितने पास आ गए, हम तेरे से सफर पर चले। जब ये सोचा घबर गए, आ गए हम कहाँ आ गए। संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। वेरी गुड। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। Oh God, we're so lucky.
निकालो ले जाओ. मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड. नमस्ते सर. नमस्कार सर. क्या बताएं सर, मैं प्यार का मरा हुआ आदमी हूँ सर. उस वक्त का बात है सर, जब हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे. उस लड़की से मुझे प्यार हो गया और मेरे पास धन दौलत बहुत था सर. जब तक मेरे पास धन दौलत था, जब तक वो लड़की मेरे पास था. धन दौलत खत्म हो गया, वो लड़की चले गई सर. बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ. मैंने सर बहुत सर तड़पा सर. मैं उसी के यादगार में सर मैं एक गाना गाऊंगा सर. आज मेरे पास बहुत कुछ है सर. मैंने मेहनत किया, धन दौलत फिर मेरे पास आया सर. मैं उस लड़की के लिए मैं गाना गाऊंगा. वो लड़की बेवफा निकली सर, मुझे पता नहीं था. ये चीर दो, दिल निकालो, ले जाओ घर. ओह मैन.